हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ चंगेरी, और इसको बॉटनी में कहते हैं ऑक्सिलिस कॉर्निकुलाटा, और इसको इंडियन सोरेल भी कहते हैं। दोस्तों, इसके सुंदर फूल छोटे से, और वैसे ही ये पूरा पादप ही फूल के जैसे दिखता है, बहुत छोटा। और देख लीजिए, ये आपके सामने। दोस्तों, इसका परिचय वैसे तो बहुत जगह देखा होगा आपने, परंतु मैं आज आपको कुछ इसके बारे में विशेष बताने जा रहा हूँ, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। दोस्तों, चंगेरी जिसको अम्ल पत्रिका भी कहते हैं, और ये हमेशा सदा के लिए यानी कि एवरग्रीन रहने वाला एक छोटा सा बीड है, या आप इसको कह सकते हैं खरपतवार है, जो खेतों में और कहीं कहीं पर भी गार्डन वगैरह में बहुत आयत से पाया जाता है। और अपने औषधीय महत्व के कारण से ये बहुत ही प्रसिद्ध है चंगेरी। दोस्तों, इसमें कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही कैल्शियम, ऑक्सिलिस और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। स्वाद में खट्टा होता है, बहुत स्वाद बहुत अच्छा होता है इसका। और इसके परिचय के साथ अब मैं आपको बता दूं इसके औषधीय उपयोग क्या क्या हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे औषधीय उपयोगों का उल्लेख है, बहुत सारे इसके नुस्खे बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ये फलियाँ भी आती है, फलियाँ फूल आते हैं पीले, जैसा कि मैं बता रहा था कि आयुर्वेद में इसके बहुत ही औषधीय महत्व का वर्णन है, और मैं भी आपको उन्हीं में से कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्किन डिजीज़ में भी बता दूँ कि ये स्किन डिजीज़ में बहुत काम आता है, जहाँ पर भी स्किन में रेसेस वगैरह और जहाँ पाइल हैं वहाँ पर आप इसका पेस्ट लगा कर तुरंत राहत पा सकते हैं। अब दूसरा, दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके दांतों और मुंह के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसके परिणाम बहुत बहुत उत्तम देखे गए हैं। जहाँ तक मुख्य स्वास्थ्य का सवाल है, तो मैं आपको बता दूँ इसका हल्दी, फिटकरी और सेंधे नमक के साथ पेस्ट बनाएं, और उस पेस्ट से आप दातुन करें। निश्चित रूप से आपके मुंह का पायरिया दूर होगा। पायरिया के लिए एक रामबाण दोस्त ये औषधि है, और इस औषधि से आपके मुंह की दुर्गंध मिटेगी, आपके गम्स और टीथ हेल्दी रहेंगे। तो दूसरा जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ वो है बहुत बहुत ज़रूरी, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, यानी कि जिनके चेहरों पर सलवटें या झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसके लिए ये बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध साबित हुआ है। और बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा इसका दिन में दो बार इसकी पत्तियों को महीन पीसकर उसका पेस्ट बनाएं, और उस पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करें, और उसको तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट रखें, और अपने चेहरे को वापस धो लें। दोस्तों, सर्तिया लाभ होगा, बहुत जिन्होंने इसको आजमाया है, उम्मीद है आप भी आजमाएंगे और हमें कमेंट करेंगे कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। चेहरे की झुर्रियों के साथ ही मैं आपको और इसका बता दूं, मुंह की दुर्गंध हो गई, हाँ एक चीज़ और मैं आपको, अगर आप खाने के शौकीन हैं और आपको भूख कम लगती है, तो दोस्तों आपको भूख कम लगती है और खाने के शौकीन हैं,
तो मैं कहता हूँ कि आप इसकी चटनी ऐड, अपने खाने में चटनी ऐड कीजिए। निश्चित रूप से इसकी जो पाचन की क्रिया को ये बहुत ही इंक्रीज कर देता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव करके आपकी पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है और आपकी जो एपेटाइज है उसको भी बढ़ाता है, आपकी भूख बढ़ाएगा, साथ ही आपको खाने को जल्दी पचाएगा। खाना जल्दी पचेगा तो निश्चित रूप से आपकी भूख भी बढ़ेगी, इसका चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप कोई भी पकवान बना रहे हैं और खटाई की चीज़, इमली वगैरह, अमचूर वगैरह आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी इनकी जो ये सुंदर सुंदर पत्तियाँ हैं, बस इनको आप अपने पकवान में, चटनी में, कढ़ी में, किसी में भी मिलाकर अपना उसका खट्टापन बढ़ा सकते हैं और ये निरापद रूप से बहुत ही सही है। और परंतु एक चीज़ और है, जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है वो कृपया इसका यूज़ ना करें, बाकी तो आप जानते हैं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है ये, खट्टी चटनी बढ़ाने के लिए और भूख बढ़ाने के लिए। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, परंतु मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूं आपको, ये आपके सिर दर्द यानी कि माइग्रेन के लिए भी एक रामबाण औषधि है। माइग्रेन के लिए आप कुछ नहीं करें, सीधा सा सरल सा उपाय है, इसके पत्तों का पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को अपने ललाट पर अप्लाई करें। बिल्कुल, आप अपने फोरहेड पर अगर इसके पेस्ट को अप्लाई करते हैं और कुछ देर रखते हैं तो माइग्रेन से आपको राहत मिलेगी और इसको लगातार करते रहने से आपका माइग्रेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे दें, जिससे मैं अगली वक्त आपकी सेवा में अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।